इसीलिए मुझे बहुत 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 गुस्सा आ रहा है चलो मेरे उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैंने अपने घर की सफाई की थी तो उस पर मैंने ब्लॉग बनाया था। और मैंने फाइनली अपने घर को साफ कर दिया और साफ करके आप देखेंगे मेरा घर साफ हो गया। और मैंने एक्स्ट्रा जो सामान था मैंने इधर लगा दिया है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर मेरा स्पेस खाली था इस रैक पे, तो मैंने इस रैक पे सारा स्टोरेज वाला सब सामान रख दिया। और इधर हमारा बेड लगा हुआ है, तो इस बेड को हमने इस बेड के बगल में भी है रैक, तो उसको मैंने खाली कर दिया है क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा चूहा ये सब आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत बदबू आती है। और ये रूम तो फाइनली साफ हो गया है और अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं भी जा रही नहाने के। अरे खड़ा हो ना। जो है सुपर फास्ट है, सुपर फास्ट है, एक मिनट जो है बैठता नहीं है। चलो कैसे कबूतर खसे खरगोश खगोल नाक में क्या लगा हुआ है इधर आओ। खसे खगोल ठीक है, खसे खगोल हो सकता है। नाक में पूरा लगा हुआ है, सर्दी हो गया। घसे गमला डांट रही है पापा को। देखिए आज के 5G बच्चा को, तो 4G खत्म होने जा रहा है, 5G आ रहा है। डांट रही है अपने पापा को, चुप रहो। देखिए बच्चे लोग पढ़ो। अपनी फोटो थोड़ा सा लगा दीजिए ताकि ऐसा ना लगे कि फेस पे पूरा ग्लो है और नेक एकदम ब्लैक है। और थोड़ा सा हाथ पे भी लगा दीजिए। तो मैं अपने फेस को थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, पाउडर को मिला लेते हैं। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही है? मैं जो भी काम करती हूँ मेरे साथ साथ मेरी दोनों बेटी रहती है, क्योंकि मुझे छोड़ के वो रहने वाली है। कंघी लाओ बेटा, कंघी कहाँ रखी? कंघी दो, कंघी ले क्या शिवांगी, कंघी ले क्या? मम्मी ये मेरा है। मम्मी पहले मैं सिंदूर लगा लेती हूँ जो कि बहुत जरूरी है। मारे ना हाथ समझी। सिंदूर आप जब भी लगाएं तो सर पे पल्लू रख के जरूर लगाएं। और मैंने साड़ी पहनी है सिंपल सी, एकदम सिंपल साड़ी पहनी क्योंकि मुझे गर्मी रहना भी बात में जाना नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल ही साड़ी पहनी। उसके बाद मैं लगाऊंगी, ये मेरा सिंदूर का है तो इसी को मैंने मतलब दो सिंदूर लगाने में तो इसको मैंने लिप लाइनर बना लिया। अभी मेरे पास लिप लाइनर है नहीं तो मैं इसी से अपना लिप लाइनर करती हूँ। और दो मैंने रखे हैं, एक सिंदूर के लिए रखा है और एक लिप लाइनर के लिए रखा। ये एक ट्रिक है, अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं हो तो इसे भी आप लिप लाइन कर सकते हैं। और इस तरह की अगर टिप्स आपको और भी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मैं ऐसे ट्रिक्स आपको हर एक वीडियो में या अगले वीडियो में बताऊँ। मम्मी एमबी एमबी ल मम्मी लिपी लिपी मम्मी मम्मी लिपी मम्मी लिपी मम्मी लिपी मम्मी लिपी लगा के लिपी लगा के मम्मी लिपी करके मम्मी लिपी लगा के मम्मी लिपी। ये हो गया, देखिए अभी सही कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद मैं इसमें जो मेरा लिपस्टिक है उसको मैं लगाऊंगी। मैं डायरेक्टली लिपस्टिक होल पे लगाती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे कभी कभी कोई फास्टिंग करना होता है तो अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी बहुत बदमाश है, जब तक इसको लिपस्टिक नहीं लगा दूंगी तब तक ये सुनेगी नहीं। दोनों ही दोनों का ही वही हाल है, दोनों मेरे आगे पीछे खड़े हैं। ये देखिए मम्मी, तो ये ट्रिक आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगी एक बिंदी, उसके बाद मेरा ये है आईलाइनर, ये है लिक्विड आईलाइनर, एकदम पतला होता है, इसे बहुत अच्छा आप लगा सकते हैं आईलाइनर। मम्मी तो इसको मैं इस टाइप से लगाती हूँ। मम्मी
मम्मी को अरे अरे बेटा पहले खाना अरे पता नहीं चला और अभी कभी का पता नहीं चला ये लेके टाइम में चलने का नहीं है लेके गिर गिर अभी बस बाल का बेला लेके मिल चुकी है ये क्या था बेटा 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 अच्छा पहना देंगे। देखिए थोड़ा सा मेरा आई लाइनर जो है वो बिखर गया क्योंकि ये वाला आँख में मुझे बहुत थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है रात से ही बहुत दर्द हो रहा है इसको मैं थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज। अगर आपकी आई पर इस टाइप से हो जाए तो इस पर आप थोड़ा सा पाउडर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका फेस ब्लैक ना लगे। उसके बाद ये है मेरा पैसो केयर जो 5 रुपये का है तो इसको मैं थोड़ा सा लिपस्टिक पे लगा लूँ ताकि शाइनिंग आ जाए। और बाल को मैं इस टाइप से कॉम कर लूँ क्योंकि मेरे फेस पे ज़्यादा अच्छा फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैंने सारा मेकअप जो भी किया है वो घर के ही मटेरियल से यूज करके किया है और अगर मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा लिप लाइनर वाला और उस टाइप की ट्रिक और भी आपको चाहिए होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं और अभी आपके लिए वीडियोज़ लाते रहूँ। शिवांगी ब्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू।